Hi guys, welcome to my YouTube channel Easy Makeup. My name is Karishma. Please subscribe my channel and press the bell icon. बताएंगे आज प्राइमर के बारे में. प्राइमर का क्या होता है कि जब हम अपने फेस को मॉइस्चराइजर लगा लेते हैं, सबसे पहले मैं मॉइस्चराइजर के बारे में बता देती हूँ. आपको अपना फेस क्लीन करना है, CTM करना है. सबसे पहले CTM क्या होता है फेस मेकअप के लिए? CTM सबसे पहले CTM, C फॉर क्लींजर, T फॉर टोनर, M फॉर मॉइस्चराइजर. टोनर के लिए अगर आपके पास कोई अच्छा टोनर नहीं है तो आप गुलाब जल यानी कि रोज वाटर भी यूज कर सकते हैं. इसके साथ साथ क्या होता है कि मॉइस्चराइजर में जो ड्राई स्किन है जिन लोगों की, उनके लिए, ड्राई स्किन का आपको नहीं पता होगा कि किसी की ड्राई स्किन है या नहीं है, आपको अपने क्लाइंट से मालूम करना है कि आपकी स्किन कैसी है, ड्राई है, सुपर ड्राई है या फिर ऑयली है. ऑयली का पता कैसा चलेगा? वो लोग जिनको क्या प्रॉब्लम होती है, स्लिप कर जाता है इन लोगों का मेकअप, वो ऑयली स्किन वालों का ऑयली है या क्या है, तो आपको कैसे पता चलेगा? ऐसे पता चलेगा, आप उनसे पूछेंगे कि आपके स्किन पे जब आप सुबह उठते हैं आपको ऑयल होता है आपके फेस पे. किसी किसी का क्या होता है, नोज एरिया जो होता है, ये इतना एरिया नोज एरिया जो होगा वो ऑयली होगा, बाकी स्किन ड्राई होगी. तो हमें क्या याद रखना है कि हम अपने क्लाइंट के ऊपर यानी उसके फेस पे जहाँ स्किन ड्राई है वहीं मॉइस्चराइजर अप्लाई करेंगे, यहाँ यहाँ लगाएंगे. नोज यानी टी पॉइंट जो होता है, ये टी पॉइंट, इसको हम अवॉइड करेंगे. अच्छे से यहाँ मॉइस्चराइजर लगाएंगे. जो बाद में हैंड्स पे थोड़ा बहुत मॉइस्चराइजर रहता है उससे इस तरह से कर देंगे. उसके बाद उसका अच्छे से मॉइस्चराइजर हो जाएगा. अब प्राइमर कि जो ड्राई स्किन जिनकी होती है, जिनकी स्किन ड्राई है या सुपर ड्राई है, उसके लिए हम एम्ब्रोलिस यूज करेंगे. एम्ब्रोलिस ड्राई स्किन के लिए है, बेस्ट है, और इससे अच्छा कोई मॉइस्चराइजर प्लस प्राइमर नहीं है ड्राई स्किन के लिए. सबसे अच्छा ये मॉइस्चराइजर कम प्राइमर है, इसे लगाने के बाद कोई प्राइमर यूज नहीं किया जाता, ये प्राइमर का भी काम करता है. अब क्या होगा कि जो हमारे ऑयली स्किन वाले हैं उनके लिए अफोर्डेबल रेंज में मैं ये यूज करती हूँ, और जो मेरे लिए बेस्ट मुझे लगता है ऑयली स्किन के लिए वो ये है, एस ऑफ बेस रिकोड. ये बेस्ट है, 725 प्राइस, MRP 725 है, और ये अराउंड 400 का आता है. ये भी अच्छा है. इसके बाद हम क्या करते हैं, प्राइमर हो गया, मॉइस्चराइजर किया, फिर प्राइमर किया, अब क्या करना है, अब कंसीलर. अब नंबर आता है कंसीलर का. कलर करेक्टर कंसीलर ही होता है वो भी, बट ऑरेंज कलर करेक्टर, कलर को करेक्शन के लिए यूज किया जाता है. अब हमें करेक्शन के लिए कैसे यूज करना है, कैसे पता करेंगे हमें कहाँ लगाना है कहाँ नहीं, जहां हमारे फेस पर पिगमेंटेशन है, जहां हमारे फेस पे हमें लग रहा है कि यहाँ ये ग्रे हो जाता है हमारा मेकअप. सबसे ज्यादा जो अंडर आई मेकअप होता है वो ग्रे होता है, माउथ ये होता है ना मंकी माउथ, यहां से ग्रे होता है, फोरहेड ग्रे होता है, सबसे ज्यादा चांसेस रहते हैं. तो हम जिनके पिगमेंटेशन है उनके हम थोड़ी ज्यादा क्वांटिटी में यूज करेंगे अपना कलर करेक्टर. ऑरेंज करेक्टर मैं मोस्टली यूज करती हूँ, किसी किसी कोई कोई ग्रीन भी करता है. रेड जो दाने वगैरह होते हैं, पिंपल होते हैं, रेड कलर के होते हैं तो उन पे ग्रीन यूज करते हैं, बट मैं पर्सनली ग्रीन यूज नहीं करती हूँ, मैं ऑरेंज ही यूज करती हूँ और बहुत अच्छा रिजल्ट रहता है. तो ऑरेंज कलर करेक्टर सबसे अच्छा जो होता है वो एले गर्ल का है, मेरा पर्सनल फेवरेट. वैसे बहुत सारे कलर करेक्टर आते हैं, बहुत सारी ब्रांड के बहुत अच्छे होते हैं. क्रायलॉन का ये डर्मा पैलेट आता है कलर करेक्टर, ये भी बहुत अच्छा है, बहुत थिक कवरेज देता है, बिल्कुल भी ग्रे नहीं पड़ने देता है मेकअप को, ये बहुत अच्छा है. किस तरह से यूज करना है ये मैं आपको नेक्स्ट वीडियोस में बताऊंगी, जब यूज करके दिखाऊंगी. अभी मैं सिर्फ आपको इंट्रोड्यूस करवा रही हूँ प्रोडक्ट से कि आपको किस तरह से किस स्किन पे कौन से प्रोडक्ट यूज करने हैं. फिलहाल मैं थ्योरी क्लियर करूंगी जिससे कि आगे आपको प्रैक्टिस में प्रॉब्लम ना हो. तो ये ऑरेंज करेक्टर एले गर्ल का हमने लिया, डर्मा का ये आता है क्रायलॉन, ये भी बहुत अच्छा है. इसके साथ साथ अफोर्डेबल रेंज की अगर हम बात करें तो जो सेल्फ मेकअप करते हैं, सेल्फ मेकअप की अगर हम बात करें तो सेल्फ मेकअप में हम स्विस ब्यूटी यूज कर सकते हैं, बट हम प्रोफेशनली इसको क्लाइंट पे यूज नहीं करेंगे, कभी भी नहीं करना है. अगर हम प्रोफेशनली यूज के लिए यूज करेंगे कलर करेक्टर तो हम या तो डर्मा इस तरह से क्रायलॉन का जो आता है वो यूज करेंगे, या एले गर्ल यूज करेंगे. इस तरह का कोई पैलेट हमें क्लाइंट पर यूज नहीं करना है. इसके साथ साथ क्या होता है
मेरे पास के ब्यूटी का भी काफी अच्छा कलर करेक्टर पैलेट है, वो भी बहुत अच्छा है, उसका रिजल्ट भी बहुत अच्छा है। रिकॉर्ड का एस ऑफ बेस भी बहुत अच्छा है प्रोफेशनल यूज के लिए, बट अगर आप पर्सनली यूज करते हैं तो ये स्विस ब्यूटी का भी काफी अच्छा है, आप अपने लिए यूज कर सकते हैं। इसमें ये लाइट कलर है ऑरेंज, ये इस तरह का कलर है, कहीं भी आपको पिगमेंटेशन है कहीं भी। ऑरेंज कलर से क्या होता है, जो ऑरेंज कलर होता है वो ग्रे ग्रे जैसे पार्ट होते हैं, ब्लैक पार्ट होते हैं, इनको काटता है, यानी कि आपके मेकअप को ग्रे नहीं पड़ने देगा। ऑरेंज करेक्टर आपको जरूर यूज करना है, और अगर आपको पिगमेंटेशन है कहीं भी फेस पे तो आपको उस एरिया को, पिगमेंटेड एरिया को कलर करेक्टर से ही हाइड करना है अच्छे से। ये बहुत, और आपको ये याद रखना है कि कलर करेक्टर जो आपने यूज किया है उसकी क्वांटिटी जिसके फेस पे नीड नहीं है उसके फेस पे बहुत ज्यादा नहीं लगाएंगे, आप उसको सिर्फ अंडर आई में और हल्का सा यहाँ माउथ एरिया में लगाएंगे और कहीं नहीं लगाएंगे। और जिनको पिगमेंटेशन फेस पे ज्यादा हो रही है उसको आप अच्छे से कलर करेक्टर यूज करें। और किसी किसी को क्या होता है, हमें फेयर टोन में जाना है, किसी को चाहिए होता है, क्लाइंट मोस्टली क्या होता है इंडिया में कि हमें दिखना है, हर कोई गोरा दिखना चाहता है, टैन लुक किसी को नहीं चाहिए इंडिया में। तो हमें क्या करना है कि कलर करेक्टर, ऑरेंज कलर करेक्टर पूरे फेस को कम क्वांटिटी में, ये नहीं कि बिल्कुल ऑरेंज ही बना दो उसको, नहीं, कम क्वांटिटी में अच्छे से फेस को कवर करना है कलर करेक्टर से। उसके बाद हमें डार्क टू लाइट टोन जाना है फाउंडेशन से या फिर बेस, आप जो भी कंसीलर वगैरह जो भी, मैं आगे अपनी क्लासेस में बताऊंगी कि कैसे करना होता है। तो सबसे पहले हम फेयर करने के लिए ऑरेंज और फिर डार्क टू लाइट टोन्स के फाउंडेशन वगैरह यूज करेंगे, वो हम क्लासेस में जब प्रैक्टिस दिखाएंगे तब हम दिखाएंगे। उसके बाद एक बात और, हमारा जो फाउंडेशन होगा वो अच्छी क्वालिटी का होना चाहिए। कोई भी फाउंडेशन बोलते हैं कि ये लॉन्ग लास्टिंग है फाउंडेशन, ये लॉन्ग लास्टिंग है, ये अच्छा है, कोई भी फाउंडेशन लॉन्ग लास्टिंग नहीं होता है। लॉन्ग लास्टिंग उसे बनाता है एक अच्छा लूज पाउडर, लूज पाउडर लॉन्ग लास्टिंग होते हैं। आप कहीं भी क्रीम है, कोई भी क्रीम आप लगाइए, कोई भी क्रीम कलर लगाइए, जो क्रीमी बेस्ड होते हैं कलर्स उनको लगाइए, वो जब आप इस तरह से करेंगे हैंड पे आ जाएंगे। उसी तरह से फाउंडेशन होता है, फाउंडेशन आपने फेस पे बहुत अच्छे से अप्लाई कर लिया, अब उसको ऐसे ही छोड़ दो, आप चले जाओ, वो लॉन्ग लास्टिंग हो ही नहीं सकता। आपको कैसे उसको लॉन्ग लास्टिंग बनाना है, सबसे पहले आपको किसी भी क्रीम, जो भी आपने क्रीम बेस्ड कुछ भी यूज किया है, चाहे वो फाउंडेशन है चाहे वो कंसीलर है कुछ भी है, उसको आप पाउडर से लॉक करेंगे, वो तब ही अच्छा रिजल्ट देगा, लॉन्ग लास्टिंग होगा। और क्या होता है, कई बार कुछ लोग लूज पाउडर बहुत जी में लगा देते हैं, अगर आप क्वांटिटी ज़्यादा रखेंगे किसी भी पाउडर की तो क्या होगा, आपका जो मेकअप है वो बहुत पाउडरी लुक देगा, वो अच्छा नहीं लगेगा। आपको बिल्कुल इतनी क्वांटिटी यूज़ करनी है लूज पाउडर की कि आपका मेकअप भी लॉक हो जाए और आपका मेकअप पाउडरी ना दिखे। पाउडरी मेकअप को, पाउडरी दिखाने से बचाने के लिए, जो मेकअप को ज्यादा का मतलब ये नहीं कि बहुत ज्यादा तो ये इसको ठीक कर देगा, नहीं, अगर आपका मेकअप थोड़ा सा ज्यादा पाउडरी दिख रहा है लॉक करने के चक्कर में, आपने जल्दी जल्दी में कर दिया है कुछ, तो आप इस तरह का मिस्ट, रिकॉर्ड में भी आता है, फॉरएवर 52 में भी आता है, बहुत सारे मिस्ट आजकल आ गए हैं मार्केट में, बहुत सारी ब्रांड्स हैं, बट मैं पर्सनली ये मेरा फेवरेट है। तो आप जब आपने मेकअप कर लिया है, आपका मेकअप, आप ये फिक्सन नहीं होता है, ये फिक्सन नहीं है, ऐसे समझ लीजिए जैसे कोई पानी, अगर मिट्टी उड़ रही है तो हम उसे दबाने के लिए पानी डालते हैं ना, उसी तरह से अगर आपका मेकअप पाउडरी लग रहा है तो ये मिस्ट आपके उस पाउडरी लुक को खत्म करने का काम करते हैं, इसको मिस्ट बोलते हैं, ये मिस्ट होते हैं, इनको स्प्रे करते हैं फेस पे, उसके बाद आपका जो पाउडरी लुक होता है वो बहुत कम होने लग जाता है। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही, प्रोडक्ट नॉलेज आज मैंने बहुत सारी दी है, याद रखिए इसे, और मेरी वीडियोस को लाइक करते रहिए, सब्सक्राइब कर दीजिए मेरा चैनल, कमेंट कीजिए, आप मुझसे क्वेश्चन कीजिए, कोई भी आपकी क्वेरी है आप मुझसे कमेंट कीजिए, मैं आपको सारे क्वेश्चंस का आंसर करूंगी। थैंक यू सो मच।